हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, याद है आपको क्या किया था? नहीं, कुछ और किया था हमने? किया था कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो किससे बनी है? किसी न किसी वस्तु से बनी है। किससे बनी है? अब और वस्तुएं किससे बनी है? पदार्थ से। किससे बनी है? और पदार्थ हमें कितनी अवस्थाओं में मिलते हैं? तीन अवस्थाओं में। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी करे थे, आपको याद है? ठोस के गुण याद है आपको? अच्छा, अब हम आपकी टेबल पर कुछ कुछ पदार्थ दे रहे हैं, आप उनको देखकर बताएंगे कि उनमें क्या क्या गुण है। ठीक है, लो इसको छूकर देखिए। हर एक चीज को आप छूकर देखिए। सबने आपने अपनी टेबल पर पड़े हुए पदार्थ छुए? अच्छा, आपके पास जो टेबल पर पदार्थ पड़े वो कौन सी अवस्था में है? थैंक यू बेटा। कौन सी अवस्था में ये पदार्थ? अवस्था कौन सी है पदार्थों की? कौन से पदार्थ हैं ये? क्या टेबल पर जितने भी आपके पास चीजें पड़ी हैं सब ठोस हैं? और कौन सी चीज है? नहीं, वस्तुएं, आपको बताया था वस्तुएं किससे बनती हैं? पदार्थ से। और पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, कौन कौन से? ठोस और गैस, ये बताया था। एक पदार्थ से अनेक तरह की वस्तुएं बनती हैं, ये भी आपको बताया था। अब आप मुझे एक उदाहरण दीजिए कि एक पदार्थ से कितनी तरह की वस्तुएं बनती हैं। जैसे जैसे टेबल, चेयर, बेड, ये किस डोर मतलब दरवाजा आपका, ये किससे बना? कौन सा ठोस पदार्थ? लकड़ी। तो आपका पदार्थ क्या हुआ यहाँ पर? लकड़ी। उससे अनेक चीजें बनी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि एक पदार्थ से और कितनी चीजें दूसरी बन सकती हैं? और कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं एक और किसी और पदार्थ से? कोई और कुछ दिख रहा? हाँ, लोहे से क्या बनता है? हथौड़ा, खिड़की, पैन, वेरी गुड, कबर। तो आपको ये समझ आ गया? अब ये सारी चीजें कौन सी अवस्था में है? ठोस। ठोस हम किसको कहते हैं? जो मजबूत होता है। क्या ये बहुत मजबूत है? ये क्या मजबूत है? ये कैसा है? हल्का है पर, और मुलायम है, और
तो क्या ये ठोस नहीं है? ये ठोस नहीं है? क्या ये बह रहा है? क्या उड़ रहा है? तो क्या है ये? हम इसे पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते? हम इसे देख सकते हैं? हम इसे छू सकते हैं? तो ये क्या हुआ? द्रव। अगर हम इसे यहाँ रखते हैं, अगर हम इसे इस धरातल पर रखते हैं जो ऊपर से नीचे जा रहा है, तो क्या ये बह रहा है? तो क्या ये द्रव है? फिर आप कैसे कहें? तो ये क्या है? ठोस है। क्या है ये? ठोस है। अब ठोस पदार्थों में भी कुछ पदार्थ होते हैं जो नरम होते हैं, कुछ नरम होते हैं, कुछ कठोर होते हैं। कुछ कैसे होते हैं? इसलिए हमने आपकी टेबल पर तीन चार पदार्थ रखे हैं। आप उनको छू कर देखिए कौन से पदार्थ नरम हैं, कौन से पदार्थ कठोर हैं। अच्छा, आपकी आपकी सबकी टेबल पर ये है? ये कैसा है? कठोर है। क्या हम इसको दबा सकते हैं? क्या हम इसकी आकार को चेंज कर सकते हैं? अगर हम इसका आकार बदलना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी? ताकत लगानी पड़ेगी। तो ये क्या है? ये कठोर पदार्थ है जिसे तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ताकत लगानी पड़ती है। अब ये पदार्थ है, ये क्या है? रुई। कैसा है? कठोर, मुलायम है, नरम है। ठीक है, आप इसको पकड़ सकते हैं, आप इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, आप इसकी आकार को चेंज कर सकते हैं। इसके अभी ये ऐसा है, हम इसका आकार ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, और हम इसे तोड़ सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये ठोस पदार्थ है किंतु ये नरम है, और इसका आकार हम बदल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पदार्थ आपके पास एक इस किस्म का है? सबके पास है? वो देखो छोटा सा, हाँ, इसे आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अब आप इसको देखिए, कठोर है या नरम है? नरम है। क्या हम इसका आकार बदल सकते हैं? हम इसका आकार कुछ समय के लिए बदल सकते हैं जब हम इसके ऊपर हल्का सा प्रेशर डालते हैं, तो इसका आकार बदल जाता है। पर हम जैसे ही वो अपना प्रेशर हटाते हैं तो वो अपने आकार में वापस आ जाता है। ठीक है, तो कुछ पदार्थ इस तरह के होते हैं। होते हैं? अब एक पदार्थ आपके पास और है, चौक है सबके पास। ये भी क्या है? ठोस पदार्थ है। इसका आकार आप बदल सकते हैं? नहीं बदल। कैसे बदल सकते हैं? आप इसको तोड़ सकते हैं आसानी से। आप इसको और ज्यादा ताकत लगाएंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसका चूरा बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि आप इसके जो पाउडर है, अगर हम इसके पाउडर के एक कण को लेते हैं, इसका एक कण अगर हम सुई पर लेते हैं, तो क्या आप इसे देख सकते हैं? देख सकते हैं? हम आपको देते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आप देखिए इसमें से, क्या आपको इस सुई के ऊपर इसका कण नजर आ रहा है? आ रहा है ना? देखो, आ रहा है? आप भी देख लो और फिर आगे पास कर दो, इसको पकड़ो। देखिए, इसका मतलब हुआ कि जो भी वस्तु बनती है और पदार्थ, जिस पदार्थ से वो बनती है, वो पदार्थ किससे बनता है? छोटे छोटे कणों से बनता है। किससे बनता है? छोटे छोटे कणों से बनता है। इसमें जो आप देख रहे हैं छोटा कण,
जो असल में होते हैं पदार्थ के जो छोटे कण, वो तो वैसे आंखों से आपको नजर भी नहीं आ सकते। हम उनको क्या बोलते हैं? अणु। हम उन्हें क्या कहते हैं? अणुओं से मिलकर बनता है पदार्थ। क्या बनता है? पदार्थ। जैसे छोटे छोटे अणु मिलके चौक बना, छोटे छोटे अणु मिलके रुई बनी, छोटे छोटे अणु मिलके पत्थर बना और दूसरी चीजें बनी। ठीक है। अब जब अणुओं, जितने भी अणु होते हैं ना, इनमें आपस में बहुत प्यार होता है। क्या होता है? खास करके अगर पदार्थ ठोस है तो कैसे रहते हैं? वो मिलजुल के रहते हैं और इतना अच्छा प्यार होता है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है उनका, इतना अच्छा कि वो एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं, चाहे कैसी भी मुसीबत आए। जब तक कि उनके ऊपर खूब जोर से चोट ना की जाए, वो अलग नहीं होते। अच्छी दोस्ती होती है? आप लोगों की अच्छी दोस्ती होती है? कोई और दूसरा लड़ने आता है तो आप उसकी पिटाई करते हैं? तो फिर कैसा व्यवहार करते हैं आप? ठोस की तरह। कैसे करते हैं? ठोस की तरह, आपस में बिल्कुल कस के मिल के रहते हैं। ठीक है ना। पर द्रवों में ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना। द्रव कैसे होते हैं? बहते हैं। तो देखिए, अगर हम इसमें, बेटा इसमें पानी लेके आओ, जो द्रव होते हैं वो भी बनते अणुओं से ही हैं। ठीक है। पर उनके अणुओं के बीच में इतना ज्यादा प्यार नहीं होता, होता है कुछ उसमें आकर्षण होता है, जिससे वो एक दूसरे से बंधे तो होते हैं पर इतना आकर्षण नहीं होता कि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े रहे। उनमें हल्का कम होता है तो इसलिए वो क्या होते हैं? बहते हैं। क्या होते हैं? बहते हैं। और इनके द्रवों की क्या गुण होते हैं, क्या विशेषता होती है, कहाँ बहते हैं? ऊपर से। अब अगर हम यहाँ डालेंगे पानी तो वो कहाँ बह के जाएगा? नीचे जाएगा। ठीक है। और क्या होता है इसमें? ये जगह घेरता है, इसलिए पदार्थ है। इसका क्या निश्चित होता है? आकार निश्चित होता है। ये समझे? क्या अभी हमने इसको ग्लास में डाला तो इसका आकार कैसा है? गोल नहीं, ग्लास जैसा है। इसका आकार कैसा है? अगर मैं इसे चम्मच में लूंगी तो इसका आकार क्या हो जाएगा? चम्मच के जैसा हो जाएगा। पर तो इसका आकार क्या निश्चित हुआ? नहीं, इसका आकार निश्चित नहीं होता। पर इसका जो आयतन है वो निश्चित होता, कि वो कितनी जगह उसने घेरी है, उसका कितना वजन है, वो निश्चित है। और ये ऊपर से नीचे की ओर बहता है। अब बनता ये भी अणुओं से ही है। किससे बनता है? अणुओं से बनता है। लेकिन इसके अणु आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए नहीं होते। अब अगर देखो, मैं आपको दिखाऊं कि ये एक टुकड़ा है किसी भी चीज का और ये है इसके अणु। क्या है ये? अणु। और ये एक दूसरा पदार्थ है और ये इसके अणु हैं। तीसरा पदार्थ ये है और इसके अणु ऐसे हैं। क्या आप कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सी तरह का पदार्थ है? ये कैसा है? ठोस है। क्यों? क्योंकि इसके अणु आपस में कस के जुड़े हुए हैं, उनमें बहुत जबरदस्त आकर्षण है, वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छोड़ते। और इसीलिए मुश्किल होता है हमें, अगर किसी ठोस चीज को अलग करना हो, तोड़ना हो, तो हमें क्या लगानी पड़ती है? ताकत लगानी पड़ती है। क्योंकि इनमें
बिल्कुल आपस में कोई जगह ये लोग नहीं छोड़ते। इनका जो बीच में आणविक स्थान होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है? आणविक अंतर आणविक स्थान, मतलब दो अणुओं के बीच में जो जगह है वो बहुत कम है। और ये कौन सा है? द्रव। अब इसमें क्या है? अणु है तो सही, एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं, पर उनमें बहुत जगह है ना, जगह बहुत है, और इसलिए ये क्या होते हैं? बहते हैं। तो ये क्या हुआ? द्रव। ये क्या हुआ? ठोस। ये हुआ द्रव। अब इसमें अंतर आणविक स्थान ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। और ये क्या हुआ? गैस। अब ये गैस क्यों हुआ बताइए? हम फैलने की तो बात ही नहीं कर रहे बेटा, हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कि ये क्या दिखा रहा है आपको, इसमें क्या है ज्यादा? क्या है? हवा नहीं होती, अणुओं के बीच में हवा नहीं होती। ये क्या है? अंतर आणविक स्थान। इसमें अणुओं के बीच में बहुत सारी जगह है, अणु कम है, जगह बहुत ज्यादा है, तो ये बिल्कुल बहते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, ऊपर नीचे, इनकी कोई दिशा नहीं होती कि ये ऊपर से नीचे की ही और बहेंगे, ऐसा नहीं होता। ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इधर उधर, पूरे चारों दिशाओं में चारों तरफ बह सकते हैं। अगर हम कोने में एक अगरबत्ती उस दिन जलाई थी तो आपको उस कोने में खुशबू आ रही थी, तो फिर वो तो ऊपर तो नहीं गई, क्या सिर्फ ऊपर वालों को खुशबू आएगी नीचे वालों को नहीं आएगी? ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता ना, सब तरफ खुशबू फैली थी, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो चारों दिशाओं में फैलते हैं। अब अणु में स्थान बहुत ज्यादा है, अणु कम है, और इनमें अंदर आणविक आकर्षण बहुत कम होता है, इसलिए गैस बहुत तेजी से फैल जाती है। ठीक है, अब देखो, अब अगर चार पांच लोग उठ के आओ यहाँ आपस में एक दूसरे को कस के पकड़ो, अब तुम आके इनको अलग करो, अलग करो, अलग होते हैं क्या? करके देखो, अरे ताकत लगाओ, ताकत लगा के करो, लगानी पड़ रही है ताकत। तो ये कौन सा पदार्थ था? ठोस। अच्छा, अब तुम चार आओ, आओ चार, आप खाली हाथ पकड़, आप खाली हाथ पकड़ेंगे, आप खाली, आप आओ, आओ बेटा, आ जाओ, अब तुम आओ, अब तुम इनको अलग करो, ये है द्रव, अब तुम बह रहे हो, ऊपर से नीचे बहते रहो, यूं यूं हिलते रहो, हाँ, अब तुम इनको अलग करो, अलग कर सकते हो, अलग कर सकते हो, कर दिया, तो ये क्या हुआ? द्रव। अब ये बिल्कुल अलग अलग, तुम यहीं खड़े रहो, अब तुम बिल्कुल अलग अलग हो, ये क्या है? गैस। और इसमें से आप किसी को भी पकड़कर अलग कर सकते हैं, हो गया, तो ये क्या हुआ? गैस। तो इस तरह से पदार्थ के तीन अवस्थाओं में, पदार्थ तीनों अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से क्या करते हैं, उसमें अलग तरीके के गुण होते हैं, अलग अलग गुण पाए जाते हैं। अगर पदार्थ की अवस्था ठोस है तो उसमें अलग गुण है, ठीक है, अगर पदार्थ की अवस्था द्रव है तो उसमें अलग गुण है, और अगर पदार्थ की अवस्था गैस है तो उसमें अलग गुण है, ठीक है। आप ठोस को देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं हाथ में, और उसको आकार बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ताकत लगानी पड़ती है, और ठोस का निश्चित आकार होता है, ठोस का क्या होता है? एक निश्चित आकार।
और उसका एक निश्चित आयतन होता है, एक निश्चित आयतन होता है। पर द्रव, द्रव में क्या होता है? द्रव को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, पर क्या आप पकड़ सकते हैं? आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो क्या होता है? बहता है। इसका निश्चित क्या? आकार नहीं होता, पर इसका निश्चित आयतन होता है, वो निश्चित जगह घेरता है। और गैस, कई गैस को आप और छू भी नहीं सकते, पर उसको आप महसूस कर सकते हैं, सूंघ के महसूस कर सकते हैं। आपको खुशबू आ सकती है या आपको उसकी बदबू भी आ सकती है। कुछ गैसेस में बहुत ज्यादा स्मेल होती है, बदबू होती है, जैसे आप प्याज काटते हैं तो आपको बदबू आती है, तो वो उसमें क्योंकि दूसरी गैस होती है। तो उस गैस को आप सिर्फ सूंघ के पहचान सकते हैं, पर गैसेस को क्या हम पकड़ नहीं सकते? इनका निश्चित आकार नहीं होता, इनका निश्चित आयतन भी नहीं होता। अगर गुब्बारे में हम थोड़ी सी हवा भरेंगे तब भी गुब्बारा फूलेगा, और अगर हम ज्यादा भरेंगे तो तब भी ज्यादा फूलेगा, पर अगर गुब्बारे में हम छोटे गुब्बारे में भी छेद करेंगे तो हवा निकल जाए, और बड़े गुब्बारे में करेंगे तब भी निकल जाएगी। ठीक है ना? तो ये थी पदार्थ की तीन।